नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने डेली राशिफल में। हर रोज़ की तरह फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। बात करेंगे 14 दिसंबर 2017 की, कि 2017 14 तारीख कैसी रहेगी आपके लिए। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। आप मुझे कम्युनिटी टैब में भी मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक कम्युनिटी टैब मिलेगा, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहेगा कल के दिन। कुछ असंतोष की भावना आपके मन में कल रह सकती है, यानी कि काम करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन शायद आपको उतना ना मिले। सर्दी का मौसम है, थोड़ा ध्यान रखकर चलें। अगर सर्दी है तो बिल्कुल अपने आप को ढककर चलें, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना दिखाएं, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ अप एंड डाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बात को लेके, कपड़े ना पहनने को लेके हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत आर्गुमेंट अपने माँ बाप से हो जाए, यानी पेरेंट्स से हो जाए। कुछ नेगेटिविटी कल हावी रहेगी, तो मेरा आपसे कहने का यहाँ पर यही है कि अपने ईस्ट का ध्यान रखें और आत्मविश्वास से अपने काम को करें, ये ना सोचें कि आज मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। दिन अच्छा रहेगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से लेकर कोई विवाद आपका चल रहा था, तो वहाँ लाभ होता हुआ कल दिखाई दे रहा है। घरवाले भी आपसे खुश रहेंगे और कोई अपॉर्चुनिटी आपको कल मिल सकती है जिसमें आप अपने टैलेंट को दिखा पाएं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। रोमांस के मामले में दिन बहुत ही उच्च उत्तम है। हो सकता है कल किसी विपरीत लिंगी से आपकी मित्रता हो जाए, जिससे आप काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहे थे। शॉपिंग कर सकते हैं आप और कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी सुखमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिन काफ़ी अच्छा है। कर्क की बात करूं तो स्वास्थ्य में कुछ अप एंड डाउन कल दिखा रहा है। अगर यात्रा जाना कोई लंबी यात्रा है और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी यहाँ पर राय आपको रहेगी कि यात्रा को आप टाल दें। पेट संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, यानी स्टोमच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। तो कल कुल मिलाकर जो दिन है वो एवरेज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंह की बात करूँ तो कोई प्रयास अगर आप करना चाहते हैं तो कल सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्य की भागदौड़ रहेगी। हो सकता है परिजन आपसे नाराज रहें, क्योंकि आप कल काफ़ी व्यस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्थ में भी नरम गरम की स्थिति दिखाई दे रही है। तो संभाल कर चलें और सबके लिए वक्त निकाल कर चलें तो बेटर रहेगा। कन्या की बात करूँ तो कुछ मेंटल स्ट्रेस कल रहेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ खर्चे भी बढ़ते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। तो दिन कुल मिलाकर एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास की उम्मीद आप ना लगाएं। धन कर्म के में आपका तुला राशि वालों का मन जो है वो लग सकता है। कुछ कोई आयोजन या अनुष्ठान आप अपने घर में करा सकते हैं। हालांकि लाभ होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर घूमने इत्यादि भी आप जा सकते हैं और कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन भी आपका सुख रहेगा और कई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों का कल कैसा रहेगा? काफ़ी अच्छा रहेगा कल का दिन आपका। जो काम आप करना चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे, सम्मान मिलेगा, आपके ऑफिस में आपका नाम होगा, आपकी प्रमोशन के भी बात अब चल सकती है और कहीं ना कहीं कोई बिजनेस यात्रा यानी बिजनेस ट्रैवल भी आपका कल हो सकता है। तो दिन कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। धनु की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में थोड़े अप एंड डाउन है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी है, ऑफिस में भी कल शायद आपका मन ना लगे, तो इसलिए कुल मिलाकर दिन को थोड़ा संघर्ष आपको कल करना पड़ सकता है। और इसलिए आपसे मैं आपको हिदायत देता हूं कि अति ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, अपने काम को पूरे फोकस के साथ करें तो अच्छा होगा। बात कर लेते हैं मकर की। मकर वालों के लिए व्यवसाय के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑफिस में कार्य आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और कहीं हो सकता है कि धर्म कर्म की यात्रा भी आपकी हो जाए, या कहीं हो सकता है आप
सोशल वर्क के साथ भी आप जुड़ जाएं। हालांकि खर्चे कुछ बढ़ते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं कुंभ की, तो कुंभ में रिश्तेदारों से संबंध थोड़े अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल कल आपको मिले जिसमें इनसे आपकी काफ़ी टाइम से मनमुटाव चल रहा था, तो वो मनमुटाव कल ख़त्म हो सकते हैं या उसकी नींव रखी जा सकती है। आर्थिक रूप से थोड़े से सावधान रहें और अपनी थॉट्स को प्राथमिकता दें और बिल्कुल उनको बार बार चेंज ना करें। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि, जो कि होगी मीन राशि। आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस कल रहेगा, हाँ, और घर में भी शांति का वातावरण बना रहेगा। दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कंपटीशन में भी आप सफल होते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा अवलोकन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके एनालिसिस करें, तो मैं आपको बता देता हूँ, एनालिसिस आर पेड। आपको एक निश्चित फीस उसकी देनी होगी। 9411848508, 9999623823 हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, और हमारी वेबसाइट्स को ज़रूर देखिएगा और हमारे ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आएगी हमसे रिलेटेड तो वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, या आप कम्युनिटी टैब में भी मुझसे, हो सके तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। और आप क्या देखना चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं और कम्युनिटी टैब में भी जाके मुझे बता सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, रोज़ की तरह मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा।